सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ न्यूराटेक। तो जैसे कि आपको पता होगा, मोबाइल लीजेंड से काफ़ी पॉपुलर गेम है, लेकिन इसे प्ले स्टोर से बैन कर दिया गया था। अगर आप आज भी प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे तो आपको मोबाइल लीजेंड्स बैंग बैंग जो गेम है वो वहाँ पर नहीं दिखेगी, क्योंकि इसको रिमूव कर दिया गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने काफ़ी सारे मेथड्स ट्राई किए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। कुछ लोग कह रहे थे कि आप VPN को यूज़ करो, तो उसको यूज़ करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन कोई भी मेथड वर्क नहीं करा। तो आज इस वीडियो में आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड बताने वाला हूँ इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए, और जहाँ से आप इसको रेगुलरली अपडेट भी कर सकते हो। तो जितने भी Xiaomi के या फिर MI के फ़ोन होते हैं, उनके अंदर एक ऐप स्टोर दिया होता है, गेट ऐप्स करके या फिर ऐप स्टोर उनका नाम होता है। तो वहाँ से आप किसी भी ऐप को या फिर गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास भी एक Xiaomi का फ़ोन है और इसमें ऑलरेडी एक ऐप स्टोर दिया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस ऐप स्टोर में अगर आप सर्च करोगे मोबाइल लीजेंड्स बैंग बैंग, तो आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इस गेम को सिर्फ प्ले स्टोर से हटाया गया है, लेकिन दूसरे ऐप स्टोर में भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आपके फ़ोन में भी ऐसे ऐप स्टोर या फिर गेट ऐप्स करके कोई एप्लीकेशन दी हुई है, तो वहाँ से आप किसी भी गेम को या फिर किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी रेटिंग है इसकी, 4.9 रेटिंग है। ये सेम एप्लीकेशन होती है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल होती हैं, वही सेम एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिलती हैं ऐप स्टोर में। तो अगर आपको प्ले स्टोर पर कोई एप्लीकेशन या फिर गेम नहीं मिलती, तो आप दूसरे ऐप स्टोर को यूज़ कर सकते हो जो Xiaomi की तरफ से होते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये एकदम ओरिजिनल गेम है। तो यार, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इस गेम को इंस्टॉल करने का। आप आसानी से अपडेट भी पा सकते हो इस ऐप स्टोर में, लेकिन अगर आप क्रोम से कोई APK फाइल वगैरह डाउनलोड करते हो, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि वो वायरस इन्फेक्टेड हो या फिर वो गेम लैग करती है। तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, इसको यूज़ करके आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी हमारी गेम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये एक फेक एप्लीकेशन है या फिर मोबाइल लीजेंड्स की कोई कॉपी है। तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी हमारी गेम ओपन हो चुकी है, थोड़ा लोडिंग में टाइम लग रहा है। तो इसको मैंने आपके सामने इंस्टॉल किया है और आपको सारा प्रोसेस बताया है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा था, ये आपके सामने अभी इंस्टॉल किया है, एकदम ओरिजिनल गेम है ये। तो अगर आपके भी फ़ोन Xiaomi का है या फिर रियलमी रेडमी कोई भी फ़ोन है, तो उसमें ऐप स्टोर जो ऑलरेडी पड़ा है, तो उसमें आपको इसको सर्च कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास वो ऐप स्टोर नहीं है, तो आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो और ईज़िली अपनी फेवरेट गेम्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है जिससे आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो और खेल सकते हो, और इसमें आपको अपडेट की भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस ऐप स्टोर में रेगुलरली अपडेट आते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।